आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टेक्नो कैमोन 20 प्रो 5G का यहाँ पर इन्फिनिक्स GT 10 प्रो के साथ, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है इसी वीडियो में जो है आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग डेट की। टेक्नो वाला जो है आपको मई में देखने को मिला, जबकि इन्फिनिक्स वाला इसी महीने अगस्त में देखने को आपको मिला है। डिजाइन की बात करें टेक्नो वाले में जो है आपका लेदर बैग देखने को मिलता है, 201 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, दो कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स वाले में जो है आपको नथिंग फोन की तरह से जो है पीछे ग्रिप लाइट वगैरह देखने को मिलेंगी, दो कलर ऑप्शन में जो है इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों में जो है आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, कहीं से भी कहीं तक जो है कोई भी डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6.67 इंच की जो फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड डिस्प्ले ये होने वाली है और 120 का रिफ्रेशर मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है आपको दोनों में देखने को मिलता है, 10 बिट डिस्प्ले जो होने वाला है और जो है 920 हर्ट्ज के जो है PMW जो है डिमिंग आपको देखने को मिलती है। इन्फिनिक्स वाले में जो है आपको 900 निट्स की जो है ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। कैमरा की बात करें तो टेक्नो वाले में जो है आपको 64+2+2 मेगापिक्सल का जो है कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट में जो है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। फ्रंट और बैक में जो है दोनों जगह आपको फ्लैश देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स वाले की बात करें यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, बैक में 108 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा, बाकी 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ और जो है मैक्रो वाले कैमरे देखने को मिलते हैं, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और रियर में जो है आपको 4 फ्लैश देखने को मिलेंगे, फ्रंट में जो है डुअल फ्लैश आपको देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करते हैं, दोनों में जो है आपको Dimensity 8050 देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर पे बना हुआ चिपसेट है और जो 5G प्रोसेसर है और UFS 3.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, LPDDR4X वाली रैम का सपोर्ट दोनों में आपको देखने को मिलता है। एंटीटू सूर की बात करें तो लगभग जो है 5.6 लाख के करीब जो है आपको देखने को मिल जाता है दोनों में। सॉफ्टवेयर और UI की बात करते हैं, टेक्नो वाले में जो है आपको एंड्रॉइड 13 और जो है iOS देखने को मिलता है, ब्लॉडवेयर जो है आपको इसमें देखने को मिलता है, कुछ को जो है आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे और जो कुछ को जो है आपको फोर्स स्टॉप करना पड़ेगा या फिर डिसेबल करना पड़ेगा। इन्फिनिक्स वाले की बात करें यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 13 और जो XOS 13 देखने को मिलेगा, क्लीन UI जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि ब्लॉडवेयर फ्री जो है आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सेलुलर की बात करते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन जो है एकदम ट्रू 5G हैं और जो है टेक्नो वाले में जो है आपको 8 5G बैंड मिलते हैं, जबकि इन्फिनिक्स वाले में जो है आपको 14 बैंड। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, दोनों ही जो है सेम फॉर्मेट को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो है रियर से आप 4K में 30fps, फुल HD में जो है 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, फ्रंट कैमरे से जो है आप जो है फुल HD में 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बैटरी की बात करते हैं, दोनों में जो है आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, टेक्नो वाले में जो है आपको 33W का जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स वाले में जो है आपको 45W का जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अदर फीचर की बात करते हैं, टेक्नो वाले में जो NFC 3.5 जैक और सभी सेंसर जो है इसमें अवेलेबल हैं, बाकी जो है 8GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है, आयर ब्लास्टर जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स की बात करें यहाँ पर भी जो है आपको NFC 3.5 जैक और जो IP53 रेटिंग जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी, सेंसर इसमें भी जो है आपको सारे के सारे मिल जाते हैं, 8GB का वर्चुअल रैम का सपोर्ट इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस और वेरिएंट की बात करते हैं, तो टेक्नो वाले का जो है जो 8128 वाला वेरिएंट जो आपको 20,000 का देखने को मिलता है, इन्फिनिक्स का जो है आपको यहाँ पर जो है 8256 वाला ही जहाँ पर बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस जो है आपको 20,000 देखने को मिल जाती है। विनर की बात करते हैं, टेक्नो वाले में जो है आपको दो चीज़ें बढ़िया देखने को मिलेंगी, एक यहाँ पर इसका लेदर बैग, दूसरा दोस्तों इसमें जो है आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। अगर इन्फिनिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो आपको प्राइस कम देखने को मिलता है, बेटर कैमरा देखने को मिलता है, ग्लिफ बैग देखने को मिलता है, क्लीन यूआई देखने को मिलेगा और जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, इसमें जो है आपको लिक्विड कूलिंग जो है देखने को मिलती है जिससे जो है डिवाइस ज़रा ठंडा रहता है। तो यहाँ पर इस मैच में जो है यहाँ पर इन्फिनिक्स GT 10 प्रो जो है काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें जो आपको बहुत बेटर जो है फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको जो है इन दोनों स्मार्टफोन पर अगर जो कोई चुनना है तो आप जो है इन्फिनिक्स को चुनना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बहुत बढ़िया चीज़ें देखने को मिल जाती है।